इससे पहले का जो हमारा लेक्चर था RBWD एक्ट पर, RBWD एक्ट 2016, इसको हम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लिखा ही ऊपर देख सकते हैं आप भी करते हैं ना। तो 21 प्रकार की इसमें विकलांगता बताई गई है, जिनमें से 15 हम डिस्कस कर चुके हैं, 16 डिस्कस कर चुके हैं चलिए ठीक है। तो 17वीं, अभी आप लोगों ने होमोफीलिया लिखा था, हालांकि उसको डिस्कस मैंने पहले कर दिया तो कोई बात नहीं, थैलेसीमिया डिस्कस नहीं हुआ था उसको सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। हाँ माइक अनम्यूट हाँ ठीक है, फिर हेलो थैलेसीमिया सर, ठीक है। नेटवर्क इशू है या वॉइस ब्रेक हो रही सर? थैलेसीमिया, आप लोग को वॉइस प्रॉपर आ रही मेरी? जी सर, ठीक हाँ है, सर, तो थैलेसीमिया क्या होता है? मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि होमोफीलिया थैलेसीमिया दोनों ही क्या है, आपके ब्लड रिलेटेड डिजीज होती हैं, जिनमें से होमोफीलिया में तो जो ब्लड क्लॉट्स जो होते हैं वो बनने बंद हो जाते हैं। अब क्लॉट नहीं बनते हैं तो फिर क्या होगा, वो ब्लड फ्लो जो है अगर एक बार शुरू हो गया तो रुकता नहीं है, जैसे कहीं कट कुट गया आपके तो खून रुकेगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ब्लड डिफिशियंसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और थैलेसीमिया में क्या होता है, एक तो ये पहले जेनेटिक बीमारी है ठीक है, और दूसरा इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन को हम HB से शायद इसी से करते हैं ना रिप्रेजेंट, तो हीमोग्लोबिन की कमी यहाँ पर होने लगती है। अब हीमोग्लोबिन की जब कमी होती है तो उसकी वजह से तो जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा बॉडी में उतना ही इंसान का जो स्किन है वो रेडिश टाइप का रहता है, ब्लड बिल्कुल दिखाई देता है ना। ज़रा सा आप अगर टाइट कोई रबड़ बैंड बांध लीजिए हाथ पे या दबा लीजिए तो आपकी उंगलियों में हथेली में ब्लड सर्कुलेट होने लगता है, और वो फिर वो क्या आपका पिंकनेस या रेडनेस हल्की सी वो शो होती है। तो अब हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से क्या होता है कि फिर चेहरे में काफ़ी पीलापन आ जाता है और थकान बहुत होने लगती है। जैसे आप लोग भी ये पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप लोगों में से किसी को मतलब रात को अच्छी नींद लेने के बाद भी दिन में थकान सी महसूस होती है, ज़रा सी देर पढ़ते हैं ज़रा सी देर काम करते हैं थकान होने लगती है, तो आप भी अपना हीमोग्लोबिन चेक करवा सकते हैं। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो फिर आप आयरन की जो मेडिसिन होती है ना, आयरन की गोली वगैरह होती है वो खाइए, तो वो बीमारी जो है वो दिक्कत जो है आपकी वो कम हो जाएगी। थकान थकान लगने पर ये कर सकते हो, मल्टीविटामिन या फिर आयरन की गोलियों से वो थोड़ा ठीक हो जाता है, ऐसा डॉक्टर्स लोग बोलते हैं ठीक है। शायद ऐसे ही होता होगा, बाकी जो बायोलॉजी वाले हैं वो ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं इस चीज़ को ठीक है। ये सिर्फ इस बात पर आया कि थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो अब हीमोग्लोबिन कमी से आपको थकान महसूस होती है, तो थकान अगर हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि एक कारण इसका हीमोग्लोबिन कमी भी हो सकता है ठीक है। दूसरा तो पता ही आपको, अगर बॉडी में ही डिहाइड्रेट है तो हो जाएगा। फिर लिखिएगा नेक्स्ट आपका है 18th, सिकल सेल रोग। SICKLE, CELL करना ठीक है। प्लीज आप खोल खाल के जब दिन आप रखते हैं ना, माइक खोल देना, मैम खोल प्लीज देना, जला जला। फिर ना, इससे रिकॉर्डिंग में भी डिस्टर्बेंस होता है बाद में, आप ही लोग ने देखनी रिकॉर्डिंग, आप ही लोगों को दिक्कत होगी फिर ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, बहुविकलांगता नाम से करता है आपका, इसे मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं ठीक है। बहुविकलांगता मल्टीपल डिसेबिलिटी, जब एक से अधिक डिसेबिलिटी जाए, कोई बच्चा बहरा भी है और बोलने में दिक्कत होती है उसको है ना, कोई बच्चा बहरा भी है वो देख भी नहीं पाता है ना, या किसी बच्चे में आपका
और भी अलग अलग तरह की बीमारियां, अगर एक से अधिक जो ये प्रकार लिखे हैं, एक से अधिक प्रकार अगर पाए जा रहे हैं तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में आता है। ठीक है, फिर है 20वां, तेजाब। और ये भी घटनाएं होती है ना बीच में, तेजाब फेंक दे किसी को। हाँ, कोई बीमारी है नहीं किसी को ना। ताई जी पढ़ा रहा एक मिनट है, थोड़ा सा तब तक आप इसको रीड आउट करिए। एक जो प्रकार है वो ये भी होता है कि जो तेजाब किसी के ऊपर फेंक दिया है, तेजाब से ग्रसित कोई व्यक्ति है तो वो भी इसमें आता है। ठीक है, तो तेजाब के हमले से प्रभावित, एसिड अटैक विक्टिम बोलते हैं इसको हम अंग्रेजी में, हमले से प्रभावित। एसिड अटैक विक्टिम, हाँ इसको भी इसमें रखा गया है। ठीक है, एक मूवी देखी थी आपने लक्ष्मी नाम से, आई थी शायद ना, उसमें एसिड अटैक विक्टिम पर थी वो शायद, अगर आप लोगों को याद हो बताए। सर छपाक छपाक, हाँ मतलब लक्ष्मी लड़की का नाम शायद लक्ष्मी था, ऐसा कुछ था, मेरे को ऐसे याद आ रहा है। तो छपाक मूवी थी, सही है, दीपिका पादुकोण की सर, थी। हाँ वो रियल रियल गर्ल का नेम लक्ष्मी अग्रवाल करके था। हाँ वही वही, तो मूवी का नाम भूल गया और को उसका नाम याद था। चलिए, तो वो भी हालांकि उसका इससे कोई संबंध है नहीं, बट उसमें दिखाया है कि कितनी समस्याएं होती है इंसान को जब उसके ऊपर एसिड का अटैक होता है, तो है ना, तो कभी मत करना किसी के ऊपर अटैक आप लोग। चलो देखो, फिर है लास्ट है पार्किंसन रोग। हेलो, पार्किंसन डिजीज, ठीक है, तो पार्किंसन रोग क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको हम। देखिए, इसमें एक तो ये पहले तो मस्तिष्क और हमारा जो न्यूरो सिस्टम होता है ना उससे रिलेवेंट है। ठीक है, दूसरा इसमें थोड़ा सा जो डोपामिन होता है ना, डोपामिन तो सुना ही होगा आपने, अब आजकल तो सीरियल में भी यूज करने लगे डोपामिन, जिससे आपको प्लेजर मिलता है, कुछ मजा आता है इससे, किसी को पिज्जा खाने में मजा आ गया डोपामिन बढ़ गया उसका, किसी को मूवी देखने में मजा आ गया डोपामिन बढ़ गया। ठीक है, किसी को अपने किसी प्रिय से थोड़ी देर मिलके बात करने में मजा आ गया डोपामिन बढ़ गया। तो इस तरीके से डोपामिन तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है करके, ये एक हार्मोन होता है हमारा, जब ये हार्मोन सेक्रेट होता है तो उस समय इंसान को प्लेजर फील होता है अंदर से, तो बहुत खुशी सी हो रही होती है। तो ये कह रहे हैं कि जो पार्किंसन रोग है ना, इसमें इसकी थोड़ी सी कमी ऐसी पाई जाती है। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है कि मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है, यानी कि शरीर और मन का जो एक संतुलन है वो नहीं रह पाता। ठीक है, तो ये इसमें प्रॉब्लम होती है। एक और था आपका सिकल सेल रोग, उस पर भी डिस्कस नहीं किया था मैंने, तो वहां पर भी हीमोग्लोबिन से रिलेवेंट ही बीमारी है वो, है ना। अभी अभी लिखवा लिखा था आपने शायद, मैं भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया, मुझे भी ध्यान नहीं था, आपने पूछा भी नहीं। तो हीमोफीलिया थैलेसीमिया के बाद सिकल सेल रोग था, वो भी आपका ब्लड रिलेटेड ही होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन अफेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें
जो हमारी जो ब्लड फ्लो होता है ना हमारी जो वेन्स में, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जैसे कभी ब्लड की कमी हो गई, कहीं पर सूजन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, या फिर स्ट्रोक भी पड़ सकते हैं, इस तरीके का ये इसमें पाया जाता है। तो ये सिकल सेल रोग, इस तरीके से 21 प्रकार की जो ये डिफिशेंसीज हैं, जो आपकी सॉरी ये डिसेबिलिटीज हैं, वो डिस्कस की अभी मैंने आपके साथ। आपके पास इसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी है, उसमें से भी आप इसको देख करके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये 21 को रटने से ज़्यादा सही रहेगा कि आप इनके हर एक प्रकार को बेहतर तरीके से समझ लीजिए, ठीक है? आपके समझने के लिए जो थोड़ा सा समझने लायक है, देखो अब इसमें सारे तो नहीं, दृष्टिहीनता की मैं क्या समझना है आपको, दृष्टिबाधिता में क्या समझना है, कुष्ठ रोग आपको पता ही है, श्रवण विकार आप जानते ही हैं, चलन संबंधी लोकोमोटर मैंने बताई दिया था आप लोगों को, है ना, बौनापन भी आप जानते ही हैं, पता है आपको, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी आप जानते ही हैं, है ना, और मेंटल इलनेस, बहुत सारी बीमारियां आती हैं उसको पता है। इसीलिए फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बाद से जो टर्म्स आपके ऐसे चल रहे हैं जो शायद याद ना हो पाए, उनका मैंने एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कोशिश की है आपके सामने रखने की, कि आपको समझ में आ जाए। तो आई होप कि समझ में आया होगा जो बताया आपको, और अगर कुछ प्रश्न हैं, कुछ आपको लगता है कि नहीं आया समझ में, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? हेलो, जी सर। कोई भी प्रश्न अगर आप लोगों को लग रहा है ना पूछने का, तो आप पूछ सकते हैं इसको, और नहीं पूछना है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए, ये थोड़ा बहुत कुछ बातें हैं इसको लेकर के, कि एक नया कानून जो है वो बनाया गया है आपका, जिससे कि इस प्रकार के जो विकलांग व्यक्ति हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ जो सामाजिक आर्थिक, है ना, ये जो अधिकार हैं वो वंचित ना रह पाए, वो प्राप्त हो पाए उनको, इसी के आधार मतलब इसी के लिए ये इसको बनाया गया है। बाकी क्या करना है इसमें, इस अधिनियम में ये कह रहे हैं कि भाई जो इस प्रकार के लोग हैं इनको आने वाले समय में मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जा सकता है, अगर ये पढ़ नहीं पाएंगे तो वैसे ही पिछड़ जाएंगे, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति भी जब नहीं पढ़ पाता है तो पिछड़ जाता है, तो ये तो विकलांग है ऑलरेडी, दुनिया इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। अभी आप खुद सोचिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, अगर आपके जिले का डीएम अगर वो बौना है, या उसका एक पैर नहीं है, या वो कम देख पाता है, मोटे चश्मा लगाता है ना, या थोड़ा कम सुन पाता है, तो आप तो उसको तो एक्सेप्ट कर ही लोगे, आप बोलो हाँ, है ना? यस सर। है ना, क्योंकि वो प्रभावशाली है ना, वो तो एक पोजीशन पे है। लेकिन वहीं पर अगर एक बच्चा आपको दिखता है रोड में मांगते हुए, उस वो देख नहीं पाता है, या फिर कोई और दिक्कत है, तो आप, हो सकता है कि आप तो एक दयावान है तो आप उसको हेल्प करें, बट अधिकतर लोग धुतकार के चले जाएंगे। लेकिन जो लोग ऐसे बच्चों को धुतकारते हैं, वो लोग भी उसी तरह की गुणवत्ता वाले, या फिर उसी तरह के गुण वाले, कैरेक्टरिस्टिक वाले डीएम को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को आप कौशल युक्त बनाओ, उनमें अगर कौशल होगा, उनमें स्किल होगा, तो वो अपने जीवन यापन लायक कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, और अगर कुछ कर पाएंगे तो वो समाज में एक अपना आधार बना पाएंगे, ठीक है? स्टीफन हॉकिंग्स को जानते हैं आप लोग? हेलो, यस सर, यस सर। यस सर। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, साइंस के स्टूडेंट जो है उनको तो मुझे लगता है कि विशेषकर पता ही होना चाहिए। तो जी क्या वो सर, यस सर। नॉर्मल पर्सन थे या फिर डिसेबल थे? डिसेबल थे सर, 90 सर डिसेबल थे। बिल्कुल डिसेबल थे, माइंड सर एक्टिव था। यस, लेकिन उनको हर कोई एक्सेप्ट करता था, उनकी महानता को एक्सेप्ट करता था। क्यों? कारण क्या था कि स्किल्ड थे, इंटेलेक्चुअली एक्सट्रीम थे, है ना, इसलिए उनको हम एक्सेप्ट करते थे। अगर वही उसी तरह का व्यक्ति रोड पर हमको ऐसी स्थिति में दिखे, है ना, कि मांगते हुए, या फिर बहुत गरीबी स्थिति में, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा दया दिखा सकते हैं, बट वो जो
एक सामाजिक रूप से उसको एक्सेप्ट करना है वो शायद ना हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस वजह से ऐसे लोगों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया, और इस अधिकार अधिनियम में उनकी शिक्षा कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उस पर भी जोर दिया गया है ना। तो हालांकि हमारे तो सिलेबस में आएगा बाद में, वो जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे, समावेशी शिक्षा पढ़ेंगे, तो वहां पर जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि क्या दिव्यांग व्यक्ति को समानता, प्रतिष्ठा तथा अखंडता के प्रति सम्मान का अधिकार प्राप्त है? तो बिल्कुल है। मतलब वही RPWD एक्ट जो है आपका, ये RPD लिख दिया, गलत लिख दिया इसने, अधिनियम की धारा 3.1 ये इनको अधिकार देती है। लेकिन ये क्योंकि ये धाराएं आपके काम की है ही नहीं ना, तो क्यों पढ़ना है इनको? जो हमारे LTM आएगा हम उसको पढ़ेंगे, ये ठीक है, बाद में जब हम LTM सिलेक्शन हो जाएगा तो पढ़ते रहेंगे इसको, ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे ना। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं कि क्या इनको दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है। इस पर कानूनी क्षमताओं की बात करते हैं कि सभी जो दिव्यांग है उनका कानूनी क्षमता है, धारा 13 है उसके लिए। क्यों हमको धारा 13 याद करनी है, हमारे तो काम की ही नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। शिक्षा की बात करते हैं तो देखो ये है आपका, क्या सभी विद्यालयों में या स्कूलों में अब दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है? तो धारा 16 में ये कहा गया है, इसको आप नोट कर सकते कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम की किस धारा में उनकी शिक्षा पर बात की गई है या उनके लिए आवश्यक शिक्षा की बात की। धारा 16 में कहा गया है कि सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी इस बात पर प्रयास करेंगे कि नीतिबद्ध अथवा उनके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान उन्हें संयुक्त रूप से समावेशी शिक्षा प्रदान कर सकें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपने हिसाब से लिखते रहिएगा उसको। धारा 16 में अब समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्य धारा के स्कूलों को क्या करने की आवश्यकता है? तो अब समावेशी शिक्षा तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे हम, तो वहां पर आएगा आएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन एक टॉपिक है पूरा। तो बिना भेदभाव के दिव्यांग बच्चों को स्वीकार करें, ये नो डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आता भी है। अन्य बच्चों के समान ही इन्हें भी शिक्षा और खेलकूद तथा मनोविनोद की गतिविधियों के समान अवसर प्रदान करें, भवन, कैंपस, अन्य विभिन्न सुविधाओं को इन तक पहुंचाएं, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप उचित व्यवस्था उपलब्ध कराएं। कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछिएगा। हाँ, ऐसे वातावरण में जो अकादमिक और निरंतर सामाजिक, क्योंकि ये चीजें आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, इसलिए मैं तेज तेज बोल रहा हूँ इनको। जो व्यक्ति अंधा, बहरा अथवा दोनों कमियों से ग्रसित है, उसे उपयुक्त भाषा, तरीकों और संचार के साधनों द्वारा शिक्षा दिया जाना सुनिश्चित करें। कैसे? जो अंधा है तो उसके लिए भाषा कौन सी होती है? ब्रेल लिपि होती है, बताइएगा आप हमको। बहरा है तो उसके लिए सांकेतिक भाषा होती है, नहीं? ठीक। फिर है बच्चों में सीखने की अक्षमताओं का जल्द से जल्द पता लगाना बिल्कुल जरूरी है, और उनको दूर करने के लिए शैक्षणिक और अन्य प्रयास को क्रियान्वित करना भी जरूरी है। तो ये कुछ बातें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जो कि बच्चों की शिक्षा के लिए हमें करनी चाहिए विद्यालयों विद्यालय स्तर पर। अब समावेशी शिक्षा को साकार बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं? तो इसमें भी जो धारा 17 है, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, आप लेकिन फिर भी लिख लीजिए इसको, कि RPWD एक्ट की जो धारा 17 है उसके अंतर्गत सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा को साकार बनाने के लिए स्थानीय निकायों के साथ मिलकर के काम किया जा रहा है। स्थानीय निकाय क्या होते हैं? जैसे कि आपका ये म्यूनसिपैलिटी वगैरह आपका हो गया ना, ये सब उसमें आते हैं। तो क्या प्रयास किए जा रहे हैं? दिव्यांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए तथा ये कहाँ तक पूरी की जा सकती है, इस हेतु ऐसे दिव्यांग बच्चों की पहचान करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में स्कूल जाने वाले बच्चे का सर्वेक्षण करना है। प्रत्येक 5 वर्ष में, कितने वर्ष में करना है? प्रत्येक 5 वर्ष में, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा आप, प्रत्येक 5 वर्ष में स्कूल जाने वाले बच्चे का सर्वेक्षण करना है, जिनमें पहला सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रचलन में आने के दिन से 2 साल के भीतर, यानी कि कब आपका पारित हुआ है? 2017 में। तो
तो उसके बाद से 2 साल के अंदर हमको सारे ही बच्चे जो हमारे आसपास है उनका सर्वेक्षण कर लेना है, और उसके बाद फिर करेक्ट 5 साल बाद, जैसे 2019 तक किया आपने, फिर 2019 वाली का आपने 2024 में करना है। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है। फिर है आप बताइए ना प्लीज, बहुत स्पीड तो नहीं हो रही है, समझ में नहीं सर, ना ठीक हो रहा है। मिले हो रहा ना। आगे है फिर आपके ये कि पर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, जहां पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है ना, जो शिक्षक तैयार कर रहे हैं, जैसे स्पेशल बीएड वाले होते हैं ना, वो तैयार किया जा सके। फिर एक प्रश्न आपसे हो जाएगा, अभी आपको आरसीआई पढ़ा दिया मैंने, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया है? नहीं नहीं सर, पढ़ा, चलो ठीक है, फिर वो प्रश्न आपसे नहीं करेंगे। नो सर। तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया देखता है कि ऐसे प्रशिक्षण जो है उनके लिए क्या मानक होंगे, क्या होंगे, वो सारा का सारा आपका आरसीआई के अंदर आता है। ठीक है, ये जो आएगा आपका, ये आएगा आपका आरसीआई के अंदर, ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। कल डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, नहीं कल तो खैर आपको रीजनिंग क्लास होगी, देख लेंगे डिस्कस कर लेंगे वरना। ठीक है, फिर है ब्रेल लिपि, इसको उत्कीर्ण लेख बोला है, आपको सिर्फ ब्रेल लिपि लिखना है, क्योंकि ब्रेल जो है वो हिंदी में भी ब्रेल बोलते हैं, अंग्रेजी ब्रेल बोलते हैं। मैं तथा विकलांगता ग्रसित वे अध्यापक जो संकेत भाषा में योग्यता प्राप्त हो, तो अंधे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि आनी चाहिए टीचर को, और जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा आनी चाहिए, ऐसे जो आपके टीचर से वो चाहिए। और उसके अलावा बौद्धिक विकलांगता को पढ़ाने के लिए भी जो कौशल है वो आने, कुल मिलाकर के जो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी हैं, इन 21 प्रकार की डिसेबिलिटी में हर डिसेबिलिटी के बच्चे के साथ कैसा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, कैसा विशिष्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब देखो, जो ट्रीटमेंट एक ब्लाइंड बच्चे के साथ होगा, वही ट्रीटमेंट क्या किसी डफ बच्चे के साथ हो सकता है, किसी बहरे बच्चे के साथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, अलग अलग हो जाएगा, है ना? क्या वही ट्रीटमेंट किसी लर्निंग डिसेबल के साथ हो सकता है? तो हर डिसेबिलिटी के लिए ट्रीटमेंट अलग होता है, जैसे हर बीमारी की दवाई अलग होती है, वैसी एजुकेशन में भी हर तरह की डिसेबिलिटी के लिए एजुकेशन देने का तरीका अलग होता है, अलग टूल होते हैं, उनका नॉलेज होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक ही टीचर अंधे बच्चों को भी नहीं पढ़ा, अंधे बच्चों को पढ़ाए, और वही टीचर आपका बहरे बच्चों को पढ़ा ले, पॉसिबल ही नहीं है। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि एक ही टीचर है, वो गणित भी पढ़ा रहा है, और वही टीचर आपका आपको हिंदी साहित्य भी पढ़ा रहा है, संस्कृत भी पढ़ा रहा है, तो वो तो नहीं हो सकता ना। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा का समर्थन करने वाले पेशेवरों कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थानों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन केंद्र स्थापित करना, कि अगर किसी प्रकार की, अब हर स्कूल में आप देख ही रहे कि स्कूलों में आपको ऐसे डिसिप्लिन बच्चे मिलते ही कहाँ हैं, अगर 10 स्कूलों में जाओगे तो मुश्किल से एक स्कूल में मिल जाएंगे, 10 में से 1 भी मैंने बहुत बोल दिया है ना। तो जब 10 में से 1 ही स्कूल में वैसे बच्चे हैं, तो हर स्कूल में हम ये रिसोर्सेस क्यों रखेंगे, हमको क्यों ब्रेल लिपि चाहिए हर स्कूल में, जिस स्कूल में कोई ब्लाइंड बच्चा है ही नहीं वहां ब्रेल लिपि क्यों चाहिए हमको, बताइए, नहीं चाहिए ना। तो ये इसलिए, इसके लिए रिसोर्स सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, ताकि किसी स्कूल में अगर ऐसा कोई बच्चा आता है जो विकलांग है, तो उस विकलांगता से संबंधित जो टूल है वो वहां पर मतलब उपलब्ध कराया जा सके। समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ सर, यस सर, किचन में जी जाते हो सर। अभी भी, मतलब खाना वाना बनाने का आता है, या फिर वही मम्मी लोग बना रहे हैं अभी भी है? तो जैसे किचन में आप जब जाते हो, किचन में बहुत सारे मसाले भी होते हैं, चाय पत्ती, कॉफी, चीनी, सब कुछ होता है। अगर आपको चाय बनानी है, तो उसके लिए क्या आपको कोई मसाला चाहिए पर्टिकुलर, गरम मसाला चाहिए, मीट मसाला चाहिए, मिर्च चाहिए, चाहिए होता है क्या? नो जब आप सर, जो भी डिश बनाते हैं, उस डिश की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप किचन से
सामान ले लेते हैं। इट मीन्स वो किचन क्या आपका रिसोर्स सेंटर है, जहां पर रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। अब जिस रिसोर्स की आपको जब जरूरत पड़ेगी आप तब यूज करेंगे उसे। आपको भटूरे खाने का मन है तो आपने सोडा निकाल लिया, वरना उसका यूज ही क्या हो रहा। बात समझ में आ रही है क्यों? जी सर। यही चीज वहां पर वो कह रहे हैं कि रिसोर्स तो होना चाहिए, एक रिसोर्स सेंटर होगा वहां पर सारे रिसोर्स होंगे, लेकिन जब कभी किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी तो हम वहां से उसको ले आएंगे या मंगवा लेंगे, ऐसा। तो इस तरीके से संसाधन केंद्र की बात वो कर रहे। ठीक है, फिर है संचार के संसाधनों और प्रारूपों सहित उपयुक्त संबंधी एवं वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा देना, मूक व्यक्तियों मतलब तो जिनको बोलने बालने की दिक्कत होती है ना, को उनकी दैनिक संचार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो ब्रेल लिपि होती है या जो सांकेतिक भाषा होती है ना उसको बढ़ावा देना। भाषा हमारे अपने विचारों को किसी के सामने रखने या उसके विचारों को समझने का एक माध्यम हो। तो वे कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता वो ब्रेल लिपि द्वारा अपनी बात रख सकता है, तो उसको इतना सक्षम बनाए कि वो अपनी बात रख पाए। और लेकिन उसने बात तो रख दी ब्रेल लिपि से, लेकिन आप कैसे समझोगे? तो आपको भी उस ब्रेल लिपि का नॉलेज होना चाहिए। एक बच्चा जो बहरा है, गूंगा है, नहीं बोल सकता, नहीं सुन सकता, तो वो अपनी बातों को कहने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है, बट आपको संकेत समझ में आ ही नहीं रहे हैं, तो क्या फायदा उसकी? उसने तो अपने विचार रख दिए बट आप उन विचारों को समझ ही नहीं पा रहे। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि मैं आपसे कुछ कहना तो चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, बट मैं चाइनीज में बोल रहा हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ लेकिन वो चाइनीज भाषा आपको आती नहीं है। तो दोनों को ही जब भाषा नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इस तरीके से ऐसा कुछ किया जाए कि वो भाषा को बढ़ावा दिया जाए ताकि सभी लोग उस भाषा को समझ सकें, और वो जो व्यक्ति है जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है, ब्रेल लिपि का प्रयोग कर रहा है, वो एक मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। ठीक है, अब माना कि वो जो व्यक्ति है मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम बात करते हो रहे हैं, लेकिन अब वो चला गया किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में, उसको चाहिए आपका मोजरेला चीज पिज्जा बनाना है उसको। अब वो जाकर के संकेत तो दे रहा है कि मुझे मोजरेला चीज चाहिए, कहाँ रखा है बता दो। वो जो सेल्स बॉय है वो समझ ही नहीं पा रहा है क्या कह रहा है, तो दिक्कत आएगी ना, उसको जो चाह रहा है उसको मिल नहीं पाएगा। तो इससे क्या होगा, उसकी जो आम दिनचर्या में जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाएंगी। मानक विकलांगता वाले बच्चों को 18 वर्ष तक मुफ्त किताबें, अन्य सीखने वाले सीखने की सामग्रियां और सहायक उपकरण उपलब्ध कराना। मानक विकलांगता के आधार पर, मानक मतलब कि जो इस RVWT एक्ट में तय है कि ये विकलांगताएं होंगी, मामले में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, विकलांगता ग्रस्त छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त बदलाव, जैसे परीक्षा पत्र पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय, आप लोगों को पता ही कि देते ही है, लिखा रहता है ना, जब 2 घंटे का पेपर होता है तो अगर कोई ब्लाइंड बच्चा है तो उसको 2.5 घंटा दिया रहता है, लिखा रहता है स्पेशली लिपिक या टंकक की सुविधा या दूसरी और तीसरी भाषा को पाठ्यक्रम में छूटी है आदि दे रहते हैं, कि मतलब कुल मिलाकर के उनको दिक्कत ना हो। और सीखने में सुधार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना कि और क्या किया जा सकता है, उसके लिए रिसर्च किया जाए। तो ये कुछ बातें थी जो विकलांग बच्चों से। फिर प्रौढ़ शिक्षा वाली बात तो हमारे अभी सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, उसको हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ बातें थी जो आपके सामने मैंने रखी। और थोड़ा सा एक और पॉइंट है इसमें, थोड़ा सा सुन लीजिएगा आप जाने से पहले, है ना। देखिए डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है ना कि कब लागू हुआ था करके, तो उसको थोड़ा आप अवॉइड करिएगा, इसमें बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो इसमें लिखा है कि RVWT एक्ट जो है आपका वो 2016 में ही लागू हुआ था, जबकि 17 में हुआ था, कब हुआ था मैंने आपको लिखवा दिया है, लिख लिया होगा आप लोगों ने सबने ना कब लागू हुआ करके। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ये है कि जैसे इनको किसी प्रकार की नौकरी में 4% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा विषय से जानने के लिए, चलिए हाँ, पहले 3% का आरक्षण था, अब वो 4% कर दिया गया है। मैं लिखवाया तो आप लोगों को लिख लीजिएगा, 3% से
4%। क्या क्या है ये? आरक्षण, किसी प्रकार की जो आपकी सरकारी सुविधाएं होती है ना उन सभी में। इसके अलावा सामान्य बच्चों को तो 6 से 14 वर्ष की शिक्षा निशुल्क मिलती है, इनको 6 से 18 वर्ष तक निशुल्क शिक्षा, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दोनों ही आएगा इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रावधान इनके लिए किया गया है। तो इसमें यही पे लिखा है ना 30 दिसंबर 2016 को लागू, तो ऐसा नहीं है, वो आपका थोड़ा गलती से लिख दिया था, आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, वरना फिर वाइंड अप करते क्लास को, और SST वाले अपनी क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, और बाकी कोई भी और साथी आपके अगर क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे SST हो, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं जुड़ने के लिए, ठीक। ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। हेलो।